तो चलो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम एक बेसिकली एक सर्कुलर मोशन का अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक स्ट्रिंग होती है और इस समय जो अपनी स्ट्रिंग यूज हुई है, उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ ले गई है 1 मीटर चूज हुई है, ठीक है। अब बॉब इसमें जो यूज हुआ उसका मास हम लोग लिए हैं वो 100 ग्राम है, मतलब 100 × 10³ - 3 kg इतना आ जाएगा। और जो ये रिवोल्यूशन, यहाँ पर जो रिवोल्यूशन पर सेकेंड है जो देख रहे हो आप, ये क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ का जो रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो 2/π रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज नथिंग बट इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब ये कहता है एक, ये पूरा का पूरा सिंपल पेंडुलम जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस में, इस वाली एक्सिस में ओमेगा से घूम रहा है, तो जो बॉब होता है वो हॉरिजेंटल प्लेन में घूमता है। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और अगर एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो इस कांस्टेंट ओमेगा के लिए बच्चों हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेसिकली ये हम लोगों को इंक्लिनेशन। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसी थीटा की हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो ये थीटा कितना होगा, तो बॉब, ये जो बॉब है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बॉब है, इस बॉब पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, रियल फोर्सेज अगर की बात करोगे, सूडो से भी कर सकते हो आप, रियल से भी कर सकते हो। तो रियल फोर्स की बात करोगे तो जैसे जैसे ये सिंपल पेंडुलम ऐसे घूमेगा, तो बॉब ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल सेंटर यहाँ पर सेंटर होगा, और इस सर्कुलर प्लेन में, ये जो प्लेन आप देख रहे हो सर्कल का, ये वाला प्लेन इस सर्कुलर प्लेन में मोशन करेगा, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कुछ आर होगा, ठीक है। और स्ट्रिंग की लेंथ एल होगी, तो आर की वैल्यू यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है। ऐसे आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रेंगल क्रिएट हो गया है। तो ये आर है, ये एल है और ये थीटा है, तो इस आर की वैल्यू आ जाएगी L sin θ, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, तो रेडियस भी निकल गया। तो सबसे पहले रियल फोर्सेस की बात करो, तो रियल फोर्सेस देखोगे तो इस पे बेसिकली हम लोगों के पास एक तो आ जाएगा वेट mg, जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कौन लगाएगा, अर्थ। तो यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है वो लाइन जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है। तो ये एंगल क्या है, थीटा, सर्कुलर मोशन के सभी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। जो फोर्स होगा वो सर्कल के प्लेन के रेडियस वाली लाइन और रेडियस के परपेंडिकुलर वाली लाइन में होना चाहिए। तो टेंशन जो आ रहा है, वो टेंशन जो इधर आ रहा है टी, तो वो जो है वो रेडियस से या वर्टिकल से थीटा डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स ना तो नॉर्मल वाली सर्कल के, देखो जब कभी भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो सर्कुलर मोशन का ये जो लाइन है, सभी फोर्सेस इस रेडियस और रेडियस के परपेंडिकुलर वाली लाइन में, मतलब इन द प्लेन ऑफ द सर्कल और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन में, ये टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये नॉर्मल आ जाएगा। तो इस लाइन में सभी फोर्सेस होने चाहिए। तो देखो टेंशन को तो हमें रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंशन सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है और सर्कल के प्लेन में भी नहीं है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा t cos θ, और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा t sin θ। तो अगर सूडो से करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, और अगर ग्राउंड से देखोगे तो सेंट्रीपिटल लगाओगे। तो चलो अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ इस पूरे फ्रेम को, तो ग्राउंड से देखूंगा तो अब मैं सूडो की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा, ये ग्राउंड से ऑब्जर्वर ही बोलेगा कि भाई सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ ही सेंट्रीपिटल है। और अगर इस प्रोसेस में देखोगे तो नेट जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा tension t sin θ, क्योंकि यही रियल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पर mr² इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया। वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल में बॉब मूव नहीं कर रहा, तो वर्टिकल में जो फोर्सेज है वो है t cos θ मस्ट बी इक्वल टू वेट mg। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब डिवाइड कर दूं तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो टेंशन और एंगल निकालना है, क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए। तो डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाई
सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से डिवाइड करें तो टी साइन थीटा और अपॉन टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज द एम जी। तो एम जी ने एम जी को कर, तो ये आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो फाइनली ये जो हमें मिलने वाला है बच्चों, तो यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर जी। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू मिल जाएगी ओ प्लस माइनस जी टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर अंडर रूट। तो ये वाला चीज़ मुझे मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा चाहिए तो एक काम करते हैं, कॉस थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो रेडियस देखो हम लोग बच्चों कितना निकाले थे, तो रेडियस निकाले थे एल, यहाँ पर देखो रेडियस निकाले थे एल साइन थीटा। तो अगर मैं एल साइन थीटा की वैल्यू रेडियस की वैल्यू पुटअप कर दूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे सिंपल होते हुए नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और रेडियस की वैल्यू लिख सकते हैं कि एल साइन थीटा और ये ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। हम लोग को थीटा चाहिए तो साइन थीटा ने साइन थीटा को यहाँ काट दिया। तो बेसिकली मुझे मिला कॉस थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी जी और डिवाइडेड बाई एल ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें थीटा चाहिए था, तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस थीटा जी की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, पहले ही दिया था 10, ठीक है। और लेंथ कितनी थी 1 मीटर, और ओमेगा, तो ओमेगा इज ओमेगा की वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से 10 और यह आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई कर दूँ 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो हमें दिया हुआ था। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी यहाँ 2 अपॉन पाई था, तो पाई ने पाई को काट दिया। तो यह आ जाएगा 10 अपॉन 4 दैट इज 5/2, 5/5 यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 पाई ओमेगा का स्क्वायर चढ़ा था बच्चों, यहाँ से स्क्वायर चढ़ा था। तो फाइनली जब मैं इसका स्क्वायर लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2×2 और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा 10/16, फिर से एक बार लिख दूँ यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली अपना 10/16। तो 10/16 अगर जो आ जाएगा फाइनली यहाँ पे फाइनली आ जाएगा 10/16, 10/16 मतलब 5/8। तो फाइनली अगर मैं देखूंगा तो वर्टिकल से जो एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/8। तो कॉस इनवर्स 5/8 क्या है, फाइनल सोल्यूशन है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो स्ट्रिंग है जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही होगी, तो वर्टिकल से एंगल बना रही होगी, डी ऑप्शन इसका सही है। लेकिन इसमें कभी कभी टेंशन भी पूछता है बच्चों, तो अगर मुझे टेंशन निकालना हो तो टेंशन देखो, यहाँ से ये जो सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिखे थे इस सेकेंड इक्वेशन से हमें टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो टेंशन यहाँ मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो टेंशन टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, तो टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा था एम जी को। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो ये फाइनली हमारा टेंशन है। लेकिन अगर मुझे नंबर में चाहिए तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, मास की वैल्यू कितनी थी 100 ग्राम थी, 10^-3 और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। और यहाँ से कॉस थीटा हम पहले भी कैलकुलेट कर लिए हैं 5/8, तो 5/8। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरा सोल्यूशन बनेगा टेंशन की वैल्यू जो बनेगी दैट इज 8/5 न्यूटन। तो इतना टेंशन होगा और ये हमारा वर्टिकल से एंगल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंगल विद इंक्लिनेशन, दिस इज सेकेंड पार्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारे साथ बने रहिए। और देखिए इस चैनल पर हम बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, और बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है ऐसा कंटेंट बनाने में, हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करता है लगता है, तो हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो इस आप यूट्यूब के गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करोगे आप तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी करियर में हेल्प मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मोटिवेटेड रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।